नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई टाउनशिप में बड़ा हादसा, भरभराकर गिर गईं दो पानी की टंकियां, कोई जनहानि नहीं। जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। दुर्ग भिलाई आज इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्षेत्र में आज बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दो पानी की टंकियां भरभराकर धराशायी हो गई। वहीं दूसरी ओर इस हादसे में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधक के टाउनशिप क्षेत्र में पेयजल, आवास, सफाई, बिजली, अस्पतालों की मेंटेनेंस में अभाव की पोल खोल के रख दी। हादसे के बाद मौके पर दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 4 में स्थित लगभग 50 साल पुरानी दो पानी की टंकियों के गिरने से इलाके में दहशत फैल गई। लगभग 100 फीट ऊंचे इस 1.5 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकियों में लबालब पानी भरा हुआ था। सुबह पानी की सप्लाई के लिए वाल खोलने पहुंचे ऑपरेटर ने देखा कि पानी की टंकी झुकती जा रही है, जिसे देखकर ऑपरेटर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। ऑपरेटर ने टंकी के नीचे बने इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस ऑफिस के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद ऑफिस में बैठे लोग भी ऑफिस से बाहर निकले। सुबह 5:55 में टंकियां गिरने लगी। लगभग 10 मिनट बाद दोनों पानी की टंकियां जमीन दोज हो गई। इस हादसे में कोई भी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन टंकियों की धराशायी होने से टाउनशिप क्षेत्र के लगभग 3000 से अधिक घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। वहीं पानी की टंकी सप्लाई की नगर निगम के माध्यम से टैंकर और अन्य सुविधा की जा रही है। नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने बताया कि सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में पानी की सप्लाई के लिए 21 टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कत न हो। वहीं सांसद विजय बघेल ने अब सेल अध्यक्ष को पत्र लिखकर टाउनशिप क्षेत्र के मेंटेनेंस बजट में बढ़ोतरी करने की बात कही। पेयजल आपूर्ति के लगभग भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन एवं निगम प्रबंधक सभी तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन इस बीच टाउनशिप क्षेत्र की स्थिति लगभग 6 पानी की टंकियों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर भिलाई इस्पात संयंत्र को अब फिर किस हादसे का इंतजार है, क्योंकि ये टंकियां अभी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। उनके मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। जिन टंकियों को आसपास से 10 साल पहले जर्जर घोषित कर दिया गया हो, उन्हें मेंटेनेंस करके भिलाई स्टील प्लांट का टाउनशिप प्रबंधन अपनी आंखें बंद करके अनजान बना हुआ है। इस हादसे के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।